वैसे एक बात बताओ, जो अभी ऊपर हमने रिजल्ट किया वो क्या किया, हमने कैपलर लॉ प्रूव किया। पहला स्टेप क्या यूज किया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखा जाए तो उल्टा लिख दोगे तो बात एक ही है, इसका उल्टा रिजल्ट तो करने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि अभी क्या किया था, न्यूटन के लॉ से कैपलर लॉ, अब कैपलर के लॉ से न्यूटन का लॉ, देखो कैसे। तो इसको करने के लिए, टू ड्राइव न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम कैपलर लॉ के लिए, मान लो सन और अर्थ वही सेम स्टेप है, बस अब हम ये लिख नहीं सकते जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यही चीज हमने प्रूव करनी है। तो प्लैनेट अगर सन के आसपास घूमता है तो हमें पता है उसको फोर्स चाहिए जिसका नाम है सेंट्रिपेटल, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एम वी स्क्वायर बाय आर। राइट, हमें मालूम है कि ग्रेविटी की फोर्स प्रोवाइड करती है, पर हमने तो प्रूव करना है कि ग्रेविटी की फोर्स है, तो सेंट्रिपेटल आ गया। वेलोसिटी जिससे कि प्लैनेट सर्कल में घूमता है इस 2 पाई आर बाई टी, टी फॉर टाइम पीरियड। इस वेलोसिटी को यहां से यहां पुट करेंगे, होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से एम बाई आर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ये टर्म आ गई। इसमें क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर, कैपलर का लॉ यूज कर लें। कैपलर का लॉ क्या बताता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, तो कैपलर के लॉ में टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यहां पर कॉन्स्टेंट के टी स्क्वायर की जगह पुट करते हैं के टाइम्स आर क्यूब, आर क्यूब और आर कैंसल तो आर स्क्वायर बच गया, तो आपके पास ये टर्म बच गई। अब ये जो फोर्स है, बेसिकली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जो सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करती है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, प्लैनेट के मास पे, प्लैनेट का मास आ गया, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट आर आ गया, सन के मास पे भी तो डिपेंड करेगी। तो हम ये ऐसे बोलते हैं, ये जो कांस्टेंट है कितना, 4 पाई स्क्वायर बाई के, ये के मुझे पता नहीं, पर इतना पता है कि जो टर्म है ये मास ऑफ सन पे डिपेंड करेगी, और साथ में कांस्टेंट आएगा कैपिटल जी। तो इस 4 पाई स्क्वायर बाई के की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, यहां पर कैपिटल जी एम, और प्रूव हो गया जी एम एम बाई आर का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ है क्या, कि इस टाइप, ये डेरिवेशन के ऊपर नहीं, ऑब्जेक्टिव आज मैं दूंगा करने के लिए, तो उसमें 4 पाई स्क्वायर बाय के, क्योंकि जीएम होता है तो वो के की वैल्यू पूछता है इसमें क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे, 4 पाई स्क्वायर बाय जीएम। और कभी कभी तो ये ऑप्शन पूछ लेता है, 4 पाई स्क्वायर किसके इक्वल है, जीएम इन टाइम्स। मेडिकल वाले आज मैं शीट दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन है, पर आप देखो क्वेश्चन कहां से ढूंढ के ला रहे हैं, आपके एनसीईआरटी के टॉपिक में से ढूंढ के आ रहे हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो आपको शीट में मिलेगा, बट यहां तक एनसीईआरटी के टॉपिक तो एटलीस्ट खत्म हो जाता है, तो एनसीईआरटी का लेवल यहीं तक है, और आई होप बुरा नहीं है, ठीक है, इजी है ग्रेविटेशन बाकी चैप्टर्स के मुकाबले, ठीक है, इजी है। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे, शीट नंबर 101, शीट नंबर 101 का लास्ट क्वेश्चन, उल्टा चलेंगे क्योंकि शुरू के कुछ क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। शीट नंबर 101 जिसका फ्रंट पेज ये है, देखने में देख लो,